नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में झारखंड से लाए जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार। नवगछिया में हुए टोटो चालक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, त्रिकोणात्मक प्रेम को लेकर तीन नाबालिग लड़कों ने की थी हत्या। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर सज धज कर हो रही है तैयार, आज कैवीनाथ मंदिर से निकलेगी भव्य शिव बारात। मैट्रिक की चल रही परीक्षा के बीच कचरा बीनने वालों को मिला एडमिट कार्ड, सनहौला के रामासी स्कूल का है छात्र। और दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर गोराड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी जमीन स्थित निखरावत चौक पर झारखंड से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप के साथ पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर गोराड़ी थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने यह जानकारी दी। डीएसपी ने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर बीती रात उनके नेतृत्व में थानेदार आशुतोष कुमार और अवर निरीक्षक विनोद कुमार की मौजूदगी में नदियामा ग्रामीण सड़क पर झारखंड से आ रही एक कार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस को देखकर चालक कार लेकर भागने लगा। डीएसपी ने बताया कि इसके बाद करीब 2 किलोमीटर तक खदेड़कर कार की तलाशी ली गई, जिसके बाद पुलिस ने कार से 37 कार्टून में रखे विदेशी ब्रांड के 492 बोतल शराब बरामद किया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान चौधरीडी निवासी शिव रंजन यादव के पुत्र चंद्रदेव कुमार और धर्मेंद्र यादव के पुत्र रोशन कुमार के रूप में हुई है। वहीं डीएसपी गौरव कुमार ने कहा कि दोनों आरोपियों पर सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। साथ ही विधि व्यवस्था डीएसपी ने कहा कि थानेदार आशुतोष कुमार के द्वारा शराब के खिलाफ कार्रवाई कर अब तक 100 से अधिक खेप को पकड़ने के साथ दर्जनों गाड़ियों को भी जब्त किया जा चुका है, जबकि 200 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा डीएसपी गौरव कुमार ने कहा कि थानेदार को पुरस्कृत करने के लिए वरीय पदाधिकारी के स्तर से मुख्यालय को अनुशंसा की जाएगी। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर द्वारा एक एस ड्राइव चल रहा है और जैसे कि कल जो है सबौर में, शाकुंड में और टीओपी बाईपास में वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर ने ब्रीफ किया था मीडिया को कि अवैध शराब के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी कल ही, बीते कल, और आज उसी क्रम में एसएचओ गोराड़ी जो है और उनकी टीम वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना मिला, गुप्त सूचना मिला कि एक बड़ा खेप जो है वो गोड्डा से शहरी इलाके में उसका खपत होने वाला है और इंग्लिश लिकर जो है वो शहरी इलाके में आ रहा है। और उस गुप्त सूचना के अनुसार एक टीम गठन किया गया और हमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस इंडिगो कार को चिन्हित किया और नदियामा और गोराड़ी जो रोड है उसमें 2 से 3 किलोमीटर जो है उसको खदेड़ा उस कार को, और जो दो लोग थे जो शराब तस्कर थे जो झारखंड से आ रहे थे वो गाड़ी रोक कर भागने के क्रम में पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर दो आदमी को अरेस्ट किया है। इसके अंदर नवगछिया मखा तखिया निवासी टोटो चालक अंकुश हत्याकांड मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने मामले में अंकुश के मोहल्ले के रहने वाले तीन नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस वारदात के पीछे त्रिकोणीय प्रेम कहानी की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक लड़की के प्रेम में दो लड़कों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी और अंकुश के हाथ एक आपत्तिजनक वीडियो लग गया था और यही वीडियो अंकुश की हत्या का कारण बन गया। वहीं पुलिस ने वारदात से संबंधित अंकुश और लड़की के दूसरे प्रेमी का मोबाइल, गमछे का जला हुआ अवशेष, एक मफलर, एक बांस का टुकड़ा, टोटो रिक्शा और घटनास्थल से 4 ग्लास बरामद किया है। इसको लेकर नवगछिया के मुख्यालय डीएसपी सुनील कुमार पांडे और एसडीपीओ दिलीप कुमार ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि घटना 12 फरवरी की है और नवगछिया एसपी शांत कुमार सरोज के निर्देश पर नवगछिया एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर अनुसंधान किया गया। डीएसपी ने बताया कि आसूचना संकलन, तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान की मदद से मृतक अंकुश कुमार एवं एक अन्य नाबालिग लड़के को एक ही लड़की के साथ प्रेम संबंध की जानकारी मिली। पुलिस ने बताया कि अंकुश ने लड़की और उसके दूसरे प्रेमी का वीडियो बना लिया था और वीडियो वायरल करने की धमकी अंकुश लगातार उन दोनों को दे रहा था।
इसके अलावा पैसे के लेन देन का विवाद भी सामने आया है। पुलिस ने बताया कि इन्हीं कारणों से लड़की के दूसरे प्रेमी ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर अंकुश को पार्टी करने के बहाने विश्वास में लिया और उसी के टोटो पर सभी सवार होकर मक्खा तकिया से गौशाला होकर वहीं जा गए, जहां चारों ने मिलकर शराब पार्टी की और पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अंकुश की हत्या कर शव को मकई के खेत में फेंक दिया। इसको हाथ मुंह से दबाए और कुछ लड़के गर्दन में गमछी लगा करके भी दबाए हैं, तो बाकी तो क्या इंजुरी है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन इनका जो कन्फेशन है उसके आधार पर गमछी से गला दबाया गया और कुछ लड़के नाक मुंह दबा करके भी इनकी हत्या कर दी। आँख जो जख्म है आँख पे से वो जो इनका गर्दन जो दबाने के प्रयास किए होंगे तो हो सकता है कि मृतक के द्वारा जो विरोध किया गया उसके वजह से उनका जख्म लगा होगा। हालांकि हम लोग जब डेड बॉडी का इंस्पेक्शन किए थे तो उसमें मिट्टी उट्टी लगा हुआ था चेहरे पर, तो इसे प्रतीत होता था कि थोड़ा संघर्ष किया गया है, लेकिन ये तीन लड़के थे और वो अकेला था तो उसकी मृत्यु कारित ये लोग। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में महाशिवरात्रि को लेकर बाबा अजगैवीनाथ मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं इसको लेकर मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर में लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जबकि भगवान शिव की बारात और झांकी की तैयारी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि के दिन अजगैवीनाथ मंदिर के उत्तरवाहिनी गंगा के जल से महादेव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना की जाएगी, जबकि यहाँ से गंगा जल देवघर वैद्यनाथ धाम भेजा गया है और यहीं के उत्तरवाहिनी गंगा जल से बाबा धाम में भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा और विवाह कार्यक्रम संपन्न होगा। महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसके कारण गुरुवार को अजगैवीनाथ धाम से उत्तरवाहिनी गंगा जल वैद्यनाथ धाम भेजा गया। वहीं महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात और झांकी में बैलगाड़ी, भूत पिशाच, शिव पार्वती और गणेश कार्तिक सहित तरह तरह की झांकी निकाली जाएगी, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर महाशिवरात्रि को लेकर सैकड़ों कांवरिया अजगैवीनाथ मंदिर के उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर गंगा जल लेकर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए बाबा वैद्यनाथ धाम की पैदल यात्रा के लिए रवाना हो गए। आज एकादशी है और परंपरा के हिसाब से शिवरात्रि का जो तैयारी है सब लगभग में पूरा हो चुका है और आज एकादशी के दिन बाबा का वैद्यनाथ जी का जल जाता है यहाँ अजगैवीनाथ के महंत के द्वारा। वो जल आज अंग वस्त्र के द्वारा पूजन कर करके पुरोहित के साथ ब्राह्मण को भेजा गया और वो जल जो है बाबा धाम जाएगा, उससे बाबा का विवाह अंतिम जो विवाह का जो अभिषेक का जो जल चढ़ता है वो यहीं का जल से चढ़ता है। वो गया आज जुगल मिश्र जो है पंडा वो हमारे मंदिर अजगैवीनाथ का पुरोहित हैं और हर साल उन्हीं के हाथ के द्वारा जल यहाँ से महंत के हाथों से दिया जाता है और वो लेकर के जाते हैं, उनको सम्मानित के साथ भेजा जाता है। नाथनगर रेलवे ट्रैक पर गुरुवार को कचरा चुनने वालों को मैट्रिक की परीक्षा का प्रवेश पत्र गिरा मिला, जिसके बाद कचरा चुनने वाले ने प्रवेश पत्र उठाकर नाथनगर रेलवे स्टेशन के गेटमैन को दे दिया। वहीं इसको लेकर रेलवे के गेटमैन राजकुमार मंडल ने बताया कि कचरा चुनने वाले ने एक नंबर प्लेटफॉर्म के समीप रेलवे ट्रैक पर गिरे प्रवेश पत्र को उठाकर उन्हें दिया है और प्रवेश पत्र में परीक्षार्थी का नाम गुलशन कुमार अंकित है, जबकि पिता का नाम ललन महतो है, वह भागलपुर सनहौला के UMS रामाशी स्कूल का छात्र है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रवेश पत्र में परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र SR हाई स्कूल नाथनगर अंकित है। ये वाला एक दे गए यहाँ पे बोला हमको मिला उधर गिरा हुआ था। आपको कौन पहुँचाया? कचरा चुनने वाला। तो क्या चीज का ही एडमिट कार्ड? तो मैट्रिक का एडमिट कार्ड। मैट्रिक का एडमिट कार्ड है। तो आपका नाम? राजकुमार मंडल। यहाँ पे क्या आप है? गेटमैन है। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश लवकुश कुमार की अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को मृत्यु तक के आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट ने पीड़िता को 10,00,000 रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश जारी किया है। दरअसल कहलगांव थाना क्षेत्र के शिवनारायणपुर में एक महिला के द्वारा अपनी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होने का मामला 24 दिसंबर 2020 को दर्ज कराया गया था,
जिसमें घटना 11 दिसंबर 2020 की बताई गई थी। इसको लेकर बताया जा रहा है कि शौच करने गई नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही साजन कुमार, लालू यादव और रघुवीर पासवान ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और किसी को इसके बारे में बताने पर हत्या कर देने की धमकी भी अभियुक्तों द्वारा दी गई थी। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद डॉक्टर के द्वारा बच्ची की मेडिकल जांच होने पर रिपोर्ट में किसी भी तरह के दुष्कर्म या जबरदस्ती की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा गठित मेडिकल टीम ने दुष्कर्म की पुष्टि कर दी, जिसके बाद गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट के द्वारा 3 आरोपियों के जीवन पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। भागलपुर के सराय स्थित एवर एस्पायर एकेडमी में BSTM MKCL एवं भागलपुर नियोजनालय के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु एवं भागलपुर डिवीजन नियोजन कार्यालय के उपनिदेशक भरत जी राम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन और राष्ट्रीय गान के साथ की। कार्यक्रम में आईट्रेट इंफो कुशल युवा केंद्र की छात्रा पायल, नन्ही साक्षी और सृष्टि ने अतिथियों के सम्मान में स्वागत गान प्रस्तुत किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर किया गया। वहीं कार्यक्रम में 3 सेंटर के निदेशकों ने अपने मिशन 100 की यात्रा को सभी के साथ साझा किया और नियोजन विभाग के पदाधिकारी भरत जी राम ने कुशल मार्गदर्शन एवं दूरदर्शिता की सराहना की। इधर उपनिदेशक भरत जी राम ने कहा कि उन्होंने KYP को एक ब्रांड बनाने का सपना देखा है, जिसे सभी के साथ मिलकर पूरा करना है। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे कुशल युवा कार्यक्रम का यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें उन्होंने भाग लिया है और यह जानकर बहुत खुशी हुई कि भागलपुर के सभी KYP केंद्र संचालक उत्साह और लगन के साथ इस सरकारी योजना का लाभ युवाओं तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के सूचना एवं तकनीक के दौर में बिना कंप्यूटर प्रशिक्षित हुए बहुत आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और यह सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। कार्यक्रम का मन संचालन विजय आनंद चौधरी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन आतिफ रजी ने किया। मौके पर संस्था की डायरेक्टर चंद्रा चौधरी, लव कुमार, निभा सिंह सहित 70 KYP केंद्र संचालक मौजूद थे। आज का ये जो कार्यक्रम BSDM के अंतर्गत MKCL के द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम के मोबिलाइजेशन के लिए था और इस कार्यक्रम में गुणवत्ता सुधार के लिए भागलपुर जिला में जितने भी KYP सेंटर्स हैं, लगभग 47 कुशल युवा केंद्र हैं और इसके मोबिलाइजेशन के लिए और गुणवत्ता सुधार के लिए कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष बिहार राज्य श्रमिक आयोग के जो माननीय अध्यक्ष थे वो थे और इस कार्यक्रम में उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने बीड़ा उठाया था कुशल युवा कार्यक्रम को भागलपुर में सरताज बनाने के लिए। और आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहले शतक वीर हैं लव जी हमारे साथ हैं, उसके बाद लगातार एक बाढ़ सी आ गई थी शतक वीरों की, उसी क्रम में शिक्षा के द्वारा किया गया, जकरुद्दीन गिलानी केंद्र के द्वारा किया गया, मैक्सवेल सेंटर के द्वारा किया गया और इस बार करीब 11 लोगों ने यह प्रतिज्ञा किया है कि मिशन 100 को अचीव करेंगे। तो ये भागलपुर के लिए बहुत उल्लास और हर्ष की बात है, लोगों में एक उत्साह नज़र आ रहा है और मैं अपील करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वह कुशल युवा कार्यक्रम को, जो सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, इसमें बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दर्ज करें और ज़िले के सभी 47 कुशल युवा केंद्रों पर जाकर अपना नामांकन करें। अगर आपने KYP कर लिया है तो आपका ये नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी बनता है कि आप दूसरों को भी इस कार्यक्रम के प्रति आगाह करें और उनको कुशल युवा से प्रेरित करें ताकि बिहार समृद्ध हो सके, कौशल युक्त हो और आने वाली सदी में बिहार के युवा भारत का प्रतिनिधित्व करें और विश्व का प्रतिनिधित्व करें। भागलपुर सुल्तानगंज के खानपुर पंचायत उच्च विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर होने के कारण छात्र छात्रा पठन पाठन के लिए विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। इसको लेकर खानपुर उच्च विद्यालय के प्राचार्य विकास कुमार का कहना है कि विद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, इसके कारण छात्र छात्राओं का पठन पाठन बाधित हो गया है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में 9वीं, 10वीं और 11वीं में कुल 171 छात्र छात्रा नामांकित हैं, जबकि शिक्षक फिलहाल परीक्षा ड्यूटी में गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर होने के कारण पूर्व में यहां से कंप्यूटर की चोरी भी हो चुकी है।
वहीं प्राचार्य ने इसकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर किए जाने की बात कही है, जबकि अब तक विद्यालय की व्यवस्था में सुधार के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे बच्चों का पठन पाठन बंद है। ये उच्च विद्यालय खानपुर है जो सुल्तानगंज प्रखंड के अंतर्गत आती है। हम इस विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य हैं। यह विद्यालय विगत पिछले साल से प्लस टू भी हो गई है और वर्तमान में अभी सीआरसी सेंटर भी बन चुकी है। सबसे परेशानी की बात है कि इस विद्यालय की बिल्डिंग की स्थिति बहुत दयनीय है और बहुत पुरानी बिल्डिंग है, जिसका कि कभी मरम्मत तक भी के लिए भी किसी तरह की कोई राशि उपलब्ध नहीं हो पाई है। जो समग्र शिक्षा से आई है रंगरोगन, हम लोग रंगरोगन कराए हैं और माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी से हमने इस संदर्भ में सूचना भी दिए हैं, अवगत कराए हैं बिल्डिंग को के बारे में। यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी बिल्डिंग के बारे में अवगत कराए हैं कि जर्जर है, जिसमें क्लास संचालित कराना अब। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में झारखंड से लाए जा रहे शराब की बड़ी खेप बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार। नवगछिया में हुए टोटो चालक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, त्रिकोणात्मक प्रेम को लेकर तीन नाबालिग लड़कों ने की थी हत्या। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर सज धज कर हो रही है तैयार, आज कैवीनाथ मंदिर से निकलेगी भव्य शिव बारात। मैट्रिक की चल रही परीक्षा के बीच कचरा बीनने वालों को मिला एडमिट कार्ड, सनहौला के रामासी स्कूल का है छात्र। और दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।